नमस्ते दोस्तों, स्त्री और पुरुष इस कहानी के पहले भाग में हमने देखा कि विपिन और आशा ये इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं। प्रेमचंद ने इन दो पात्रों को लेकर ये कहानी लिखी है। स्त्री और पुरुष के जीवन में जीवन जीते समय एक दूसरों को किस तरह से समझना चाहिए, समझाना चाहिए। कहते हैं कि स्त्री और पुरुष जो है कि अपने फैमिली के, अपने घर के जो है, जैसे एक रथ के दो पहिए हैं, उस तरह से ये दो पहिए होते हैं। और फिर ये दो व्यक्ति ही जो है ये पूरे घर को चलाते हैं, लेकिन ये दोनों ने एक दूसरों को पूरी तरह से जो है कि मन से, दिमाग से अपनाना चाहिए। यहां पर जो है कि ये कहानी की शुरुआत में इसके विरुद्ध विपिन और आशा के कहानी को रखा है। विपिन के मन में महाविद्यालयीन जीवन में जो विचार थे, वो एक कवि थे, तो कवि की प्रतिभा विपिन के मन में थी। और जिस तरह से हर समय एक अपने कविता का हो या चर्चा का विषय जो है कि एक सुंदर स्त्री को ही बना देते, लेकिन जब शादी की उम्र हो जाती है और फिर उनके मन में तो पहले से ही एक ढांचा तैयार है कि स्त्री इतनी सुंदर होनी चाहिए, कैसी सुंदर होनी चाहिए, वो जो है कि कहानीकार ने लिखा है। उसकी माधुर्यता, सुंदर्यता, कोमलता जो है, इसको देखकर विपिन बाबू हर समय चर्चा करते थे। और फिर इस तरह से आशा उनके जीवन में जब आती है तो आशा उस तरह से नहीं है। आशा का चेहरा बदसूरत है, वो देखकर विपिन बाबू जो है पहले से ही उदास है, निराश है। और फिर हर समय जो है कि आशा को टालते रहते हैं, आशा से बात नहीं करते हैं। घर में भी अगर वो है तो उससे कभी मिलने का प्रयास नहीं करते हैं, हर समय आशा से दूर। और अब तो जो है कि घर से भी दूर रहने लगे हैं। आशा जो है उनके लिए घंटों आईने के सामने जो है बैठकर सजती थी, संवरती थी, उन्हें प्रसन्न करने का जो है हर तरीका जो है आशा यहाँ पर प्रयोग कर रही थी। लेकिन विपिन बाबू जो है कभी आशा को अपने मन से जो है नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके मन में तो एक सुंदर स्त्री का रूप था और यहां पर आशा उस तरह से नहीं थी। वो केवल एक स्त्री के बाह्य रूप को ही देखकर अपना जीवन जो है जीना चाहते थे, लेकिन यहां पर उस तरह से नहीं है। और फिर इस वजह से आशा उस तरह से नहीं है तो वो घर से या आशा से दूर रहने लगते हैं। दोस्तों के साथ दिन दिन, रात रात बाहर रहना, मजे करना या नशा करना, बुरी आदतें करना, यह अब विपिन बाबू का काम बन चुका था। वो कभी आशा से मिलने का प्रयास ही नहीं करते थे। एक दिन ऐसे ही आशा और विपिन बाबू की मुलाकात घर में हो जाती है तो आशा कहती है कि मैंने सुना है कि आज सूरत बदलने वाले डॉक्टर जो है यहाँ पर है, तो क्यों ना आपको जिस तरह से चाहिए उस तरह से मेरा चेहरा भी आप बनवा दीजिए। विपिन बाबू कहते हैं कि क्या इस तरह से कोई कर सकता है, इस तरह से कुछ नहीं होता है। तो फिर आशा कहते हैं कि इस मरज की दवा क्या है, इसके लिए और कोई दवा तो होगी।
विपिन बाबू कहते हैं कि नहीं, इसके लिए कुछ भी दवा नहीं है। जो भगवान आपको रूपवती बनाने में नाकाम रहा तो उसके लिए भला दूसरी दवा कौन सी हो सकती है। इस तरह से हर समय उल्टी सीधी बातें विपिन जो है कि आशा के साथ करते रहते थे। और फिर आशा जो है हर समय उन्हें समझने का समझाने का प्रयास करती रहती थी, लेकिन वो हर बार नाकाम रहती थी। अब पूरी तरह से विपिन को जो है कि एक बुरी आदतों ने, कुवासनाओं ने या नशा जो है, नशा में हर समय विपिन बाबू जो है कि रहते थे, पूरी तरह से उन्हें घेर लिया था। दिन भर रात भर घर से बाहर रहना और फिर आशा से दूर रहना ही उनका काम बन चुका था। अब आशा जो है कई दिनों तक विपिन को देख भी नहीं पाती थी, मिलना तो दूर की बात है, इस वजह से उदासीन और निराश रहती थी। अब इस निराशा की वजह से, उदासीनता की वजह से जो है आशा को एक बीमारी ने घेर लिया और आशा जो है कि बिस्तर पर ही लेटी हुई है। कई दिनों से आशा बीमारी से ग्रस्त है। यहां पर विपिन बाबू को लगता है कि अब आशा जो बीमार है, बिस्तर पर लेटी हुई है, तो अब मुझ पर नजर रखने वाला कोई नहीं है। पहले तो आशा को वो चाहते नहीं थे, लेकिन उन्हें लगता था कि कोई ना कोई जो है कि मेरे ऊपर नजर रखने वाला है। अब आशा को अब पूरी बीमारी ने इस तरह से घेर लिया है, अब उनके ऊपर नजर रखने वाला कोई नहीं है। इस वजह से वो अब खुलेआम जो है इधर उधर घूमते थे, बुरी आदतें करते थे, नशा करते थे। उन्हें ये नहीं मालूम था कि इन आदतों की वजह से, कुवासना की वजह से जो है शरीर के साथ साथ बुद्धि भी भ्रष्ट होती है। जैसे आशा को एक बीमारी ने घेर लिया था, उस तरह से विपिन को भी एक बीमारी जो है घेर लेती है। ये आशा को नहीं पता था। आशा तो अपने निराश और उदासीनता के कारण जो है उसका मन एक दिन विपिन बाबू से मिलने के लिए करता है, तो विपिन को बुलावा भेजती है। जैसे ही विपिन उसके पास आकर खड़े होते हैं, आशा उनसे पूछती है कि क्या आपकी भी तबीयत खराब है। तो विपिन उदासीन होकर कहता है कि अब जीवन में रखा ही क्या है। ये बात सुनकर आशा पूछती है कि क्या हुआ। विपिन कहता है कि अब मुझे लगता है कि मैं कुछ दिनों का ही साथी हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी ने मुझे घेर लिया है। ऐसी ही कुछ बातें वो दोनों आपस में कर रहे थे, उतने में विपिन बाबू जो है कि वहां पर मूर्छित होकर गिर जाते हैं। दोस्तों को कहकर, डॉक्टर को बुलाकर जो है आशा उनका इलाज करने लगती है। कई महीनों से यहाँ पर बिस्तर पर लेटी हुई आशा जो है, कहानीकार कहते हैं कि न जाने कौन सी स्फूर्ति जो है उसमें आ जाती है, तो वो झट से बिस्तर से बाहर आकर विपिन की सेवा करने लगती है। अब यहाँ पर जो है कि इस आशा की सेवा के कारण जो है विपिन बाबू धीरे 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 उनका भी मन जो है बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर विपिन को जो जिस बीमारी ने घेर लिया था उसका नाम था फालिज, पैरालिसिस जैसी एक यह बीमारी है। इसकी वजह से विपिन का चेहरा जो है, मुंह जो है टेढ़ा हो जाता है। आशा की सेवा के कारण बाकी जो शरीर है वो तो
उसमें बदलाव हो जाता है, लेकिन चेहरा या मुंह जो है टेढ़ा हो चुका था उसमें कुछ बदलाव नहीं होता है। एक दिन ऐसे ही बिस्तर पर लेटे हुए आईने में देखते समय विपिन बाबू अपने चेहरे को देखते हैं और सोचते हैं, तो आशा से कहते हैं कि मेरा चेहरा अब देखने लायक भी नहीं रहा है, ये मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे पहले मैंने आपको जो परेशान किया इसकी सजा दे दी है, अब चाहे तो तुम मुझे मेरे साथ रहने के लिए ना भी कर सकती हो। लेकिन आशा ऐसे नहीं करती है, आशा कहती है कि मैंने पहले से भी आपको मेरा पति माना है और आज भी मैं आपको अपना पति मानती हूँ, मैंने आपके बाह्य रूप को कभी नहीं देखा, मैं आपको मन से चाहती हूँ। यहाँ पर विपिन बाबू के इस बीमारी को बाहर लाने के लिए आशा एक माताजी का व्रत रखती है और फिर उसके अंतिम जो है कि एक उत्सव का आयोजन करती है और इस उत्सव के लिए मोहल्ले की कुछ महिलाएं जो है आशा के घर पर आई हुई है, तैयारी कर रही है और यहाँ पर विपिन के कमरे में भी उनके कुछ दोस्त हैं, ताश खेल रहे हैं, बातें हो रही है। एक दोस्त वहां से उठकर जो है कि एक खिड़की खोलता है, वो खिड़की विपिन के आंगन के तरफ खुलती है और वहां पर वो देखता है कि कुछ महिलाएं हैं, सुंदर महिलाएं जो है कि पूजा की तैयारियां कर रही है और वो दोस्त विपिन से पूछता है कि क्या आपके घर में आज मेला लगा है, यहाँ पर तो बहुत सी सुंदर स्त्रियां जो है परियों जैसी दिखाई दे रही है, इसमें से तुम्हें कौन सी पसंद है। विपिन कहता है कि खिड़की बंद कर दो। दोस्त के बार बार पूछने पर वो कहता है कि जो थाली में फूल सजा रही है वो स्त्री जो है मुझे अच्छी लगती है, लेकिन दोस्त तो कहता है कि वो स्त्री तो इन स्त्रियों में सबसे बदसूरत है और वो भला कैसे आपको अच्छी लगती है। लेकिन विपिन की सोचने का नजरिया जो था वो अलग था और दोस्त का नजरिया देखने का अलग था, इसलिए विपिन कहता है कि मैंने उसके बाह्य रूप को नहीं देखा, मैंने उसके आंतरिक रूप को देखा है, उसके आत्मा को देखा है। तब उस दोस्त के समझ में आता है कि ये विपिन की पत्नी है और वो कहता है कि क्या ये मिसेज विपिन है, तो कहता है हाँ। यहाँ तक जो है कि प्रेमचंद ने कहानी लिखी है, कहानी को यहाँ पर विराम दिया है। कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने यही संदेश उपदेश दिया है कि विपिन के जीवन में जिन समस्याओं का सामना उसे करना पड़ा, शुरुआत में एक सुंदर स्त्री के बाह्य रूप को ही वो देखता था, आंतरिक रूप को देखना तो दूर की बात थी, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं उसके जीवन में घटती है जिस कारण वो आशा के आंतरिक रूप को देखता है, उसे चाहने लगता है। कहानीकार ने भी यही उपदेश हमें दिया है कि सामने वाले व्यक्ति के साथ रिश्ता बनाते समय, बात करते समय न केवल उसके बाह्य रूप को देखना जरूरी है बल्कि उसके आंतरिक रूप को भी देखना, उसके मन को स्वभाव को समझना भी जरूरी है। यहाँ पर जो है कि ये कहानी समाप्त होती है।